गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग फोटोज ऑफ टुडेज नोट्स एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर एंड क्वेश्चंस ऑन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। सो दिस इज पेज 251। दिस इज पेज 251, पेज 252, पेज 253, पेज 254, पेज 255, पेज 256, पेज 257, एंड पेज 258। सो स्टूडेंट्स जैसा कि हमने क्यूबॉइड के अंदर वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया था कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू बेस एरिया इनटू हाइट, मतलब वॉल्यूम का सॉरी क्यूबॉइड का बेस, क्यूबॉइड का बेस जैसे हम रूम में बैठे हैं तो हमारा रूम क्यूबॉइड की शेप में है, उसका बेस हमारा रेक्टेंगल जैसा होता है तो उसका एरिया एल इंटू बी हो गया। और हमने आपको बताया था कि बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम हो जाता है, तो रेक्टेंगल का बेस एल इंटू बी और उसको हाइट से मल्टीप्लाई करें तो एल इंटू बी इंटू एच, वो तो हो गया था हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। उसी बिल्कुल सेम उसी सिमेट्री के हिसाब से कहता है सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है और उस की हाइट है वो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल आल्सो बी बेस एरिया इनटू हाइट, और बेस एरिया सिलेंडर का बेस कैसा है सर्कुलर, तो आप बेस एरिया की जगह ये भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कुलर बेस इनटू हाइट। और अब इस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और इनटू में हाइट के स्थान पे हमने एच यूज कर लिया सो इट बिकम्स पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां एक्सप्लेन कर दिया आर रेडियस है और एच उसकी हाइट है सिलेंडर की। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अभी स्टूडेंट्स अगर मान लो हमारे पास होलो सिलेंडर होता है तो उसके सेंटर से बाहर तक को आउटर रेडियस कहेंगे और सेंटर से अंदर तक को इनर रेडियस कहेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर कैसे होगा, आउटर रेडियस से आउटर वॉल्यूम निकाल लेंगे, इनर रेडियस से इनर वॉल्यूम निकाल लेंगे, और वैसे जो होलो सिलेंडर है उसकी हाइट अंदर से बाहर से बराबर होती है, क्योंकि सिलेंडर होलो है इसलिए उसकी वो दोनों सिरे खुले मिलेंगे और हाइट है उसकी वो अंदर से मेजर करें चाहे बाहर से करें वो बराबर होती है। सो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, आउटर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर कैपिटल आर ले लेंगे आउटर रेडियस के लिए और इनर रेडियस के लिए स्मॉल आर ले लेंगे तो ये पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब इनमें से पाई एच कॉमन आ गया तो पाई एच पाई और एच दोनों को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, और जैसे पाई आर स्क्वायर एच है इस तरह से पाई और एच फर्स्ट और लास्ट में लिख लो और ब्रैकेट में यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और एच को पहले भी पाई के साथ भी लिख सकते हैं। सो ये हमारा होलो सिलेंडर का एरिया हो गया सॉरी वॉल्यूम हो गया और ये सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया। तो आपको ये दोनों आइडेंटिटी याद रखनी है। अब इसी के क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सरकमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलेंडर,
सिलेंड्रिकल वेसल, सिलेंडर जैसी वेसल है और उसका बेस जो है उसका सरकमफेरेंस दे रखा है 132 और उसकी हाइट दे रखी है 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स पहले भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि अगर सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सरकमफेरेंस, वॉल्यूम ये सब दे रखे हैं तो उनको सबको बाद में हम यूज करेंगे, सबसे पहले उसके डायमेंशंस दे रखे हैं वो लिखेंगे। तो यहाँ पर डायमेंशंस में सर्कुलर जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी हाइट दे रखी है, सबसे पहले आप हाइट को लिखेंगे उसके बाद इस सरकमफेरेंस को लिखेंगे। सो बस उसके बाद में आप आराम से कर सकते हैं, ये हाइट हमने लिख दिया पहले और सरकमफेरेंस ऑफ वेसल लिख दिया। सरकमफेरेंस के नीचे स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला लिख दो, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और ये 132 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर हम अभी नहीं हटाएंगे, जब इधर वैल्यू रख देंगे, जो जो वैल्यू हमारे पास गिवन है वो वैल्यू रख देंगे, जो नहीं गिवन नहीं है वो वैसे ही रह जाएगा और ये फिर सेंटीमीटर छोड़ देंगे। इसके बाद में आर की वैल्यू निकल जाएगी, वो सेंटीमीटर में आ गई। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूला के हिसाब से ये याद होना चाहिए कि सिलेंड्रिकल वेसल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू तो नोन होती है और हमें आर और एच दोनों वैल्यू चाहिए। अगर किसी सिलेंडर में आर और एच दे रखा है तो आप उसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, कर्व सरफेस भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस भी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि किसी आर्टिकल, किसी आइटम के वॉल्यूम या एरिया के अंदर क्या चाहिए वो उसकी आइडेंटिटी से कन्फर्म हो जाता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल है पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका मतलब हमें आर और एच चाहिए। तो एच तो गिवन है और आर हमने कैलकुलेट कर लिया, अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, इसमें वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28। देखिए इनर डायमीटर दे रखा है, आउटर डायमीटर दे रखा है, लकड़ी का पाइप है, इसका मतलब पाइप अंदर से होलो है। अगर पाइप का आउटर और इनर डायमीटर दे रखा है तो पाइप अंदर से होलो है, खोखला पाइप है। लेंथ ऑफ द पाइप इज 35, फाइंड द मास ऑफ द पाइप, इस पाइप का मास निकालना है। स्टूडेंट्स मास किस वजह से है, उसमें वजन किस वजह से है, जो उसमें लकड़ी यूज हो रही है उसकी वजह से है। उसमें लकड़ी कहाँ यूज हो रही है, उसका अंदर से तो वो खाली है, तो इसका मतलब उसके आउटर रेडियस और इनर रेडियस का जो डिफरेंस आएगा वहां लकड़ी लगी हुई है। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इसका इनर और आउटर रेडियस डायमीटर लिखेंगे, फिर उसके बाद हम रेडियस लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स इनर रेडियस को स्मॉल आर मान लेंगे, आउटर रेडियस को कैपिटल आर मान लेंगे। ये हमारा होलो पाइप हो गया, तो होलो पाइप का वॉल्यूम निकालो आप सबसे पहले। तो और पाइप की लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है, तो लेंथ को हम एक तरह से पाइप अगर ऐसे पड़ा है तो लेंथ कहेंगे और अगर पाइप खड़ा है तो उसकी हाइट कही जाएगी। सो लेंथ है वो हाइट की जगह काम आएगी। सो एच हमारा 35 हो गया। इसके बाद में हम वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन होलो पाइप, होलो जो सिलेंड्रिकल पाइप है उसमें लकड़ी कहाँ यूज है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पाइप, पाई तो इसका मतलब होलो सिलेंडर हो गया, तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दो और यहाँ पर ये 14 स्क्वेयर, ये यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इनका स्क्वेयर करेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें कहीं मिस्टेक के चांस बढ़ जाते हैं। सो पाई 22/7, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दिया और ये 35 हो गया। अब इनको ऐड कर लो, इनको सब्ट्रैक्ट कर लो और सोल्व कर लेंगे। ये हमारा वॉल्यूम आ गया लकड़ी का, ये लकड़ी जो यूज हुई है पाइप में उसका वॉल्यूम आ गया। अब वो कहता है कि इसका वजन निकालना है, तो हम उसने दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी है, उसका मास होता है 0.6 ग्राम। जिस जिस लकड़ी से ये पाइप बना हुआ है उसका मास इतना है, तो फिर इस वॉल्यूम का कितना आएगा, इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना आएगा, इसको 0.66/10 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इतने ग्राम आ गया। स्टूडेंट्स अगर 1000 ग्राम से ज्यादा, 1000 ग्राम हो जाता है या इससे ज्यादा हो जाता है तो उसको 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज कर लिया करो। और एक खास बात और है, चलो इसको वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, मीटर क्यूब और किलो लीटर वगैरह के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, कोई सॉफ्ट ड्रिंक है जैसे अपने कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं इस तरह से, कहता है वो 2 तरह की पैकिंग में अवेलेबल है दुकान पर। ए टीन कैन विद ए रेक्टेंगुलर बेस, एक तो टीन का कैन है, कैन मतलब पीपा, जैसे अपने पास पीपा होते हैं शादियों में जो हम ये रिफाइंड ऑयल वगैरह लाते हैं, इस तरह से ये स्मॉल साइज में टीन कैन है। कहता है इसका रेक्टेंगुलर बेस है, इसका बेस कैसा है, रेक्टेंगल जैसा,
तो इसका मतलब उसमें लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है, हो गई बेस की, और हाइट है उसकी 15 सेंटीमीटर, तो ये क्यूबॉइड बन गया एक तरह से भाई। इसका बेस रेक्टेंगुलर है तो ये क्यूबॉइड बन गया। और दूसरा जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है प्लास्टिक सिलेंडर में, उसका सर्कुलर बेस का डायमीटर दे रखा है और उसकी हाइट दे रखी है, डायमीटर से हम रेडियस लिख लेंगे। तो इसका मतलब दो तरह के हमारे पास पैकिंग है सॉफ्ट ड्रिंक की, एक तो क्यूबॉइड की शेप में और एक सिलेंडर की शेप में। ये कहता है कौन से कंटेनर का ज्यादा की कैपेसिटी ज्यादा है, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम एंड बाई हाउ मच। सो स्टूडेंट्स आप दोनों के अलग अलग वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्यूबॉइड वाले में क्यूबॉइड का फॉर्मूला लग जाएगा और सिलेंडर वाले में सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा। जिसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा हम उसके बारे में कह देंगे कि दिस पैकिंग हैज ग्रेटर वॉल्यूम, और कितना उन दोनों का डिफरेंस घटा देंगे, हमने आगे सोल्व कर रखा है, आप इसको खुद करेंगे। ये सॉल्यूशन आप देख लेंगे। इसके बाद कहता है फोर्थ क्वेश्चन है, इफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज इतना। देखिए स्टूडेंट यहां भी वही बात आ गई फर्स्ट क्वेश्चन वाली, पहले हाइट को लिखेंगे, हमने हाइट को लिख दिया, फिर इसका लेटरल सरफेस एरिया लिख दिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो इसके नीचे इसका फॉर्मूला यूज कर देंगे 2 पाई आर एच, और ये वैल्यू वैसे ही पुट कर दी। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, ये हाइट है एच, एच तो 5 रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, और सॉरी पाई की वैल्यू 3.14 है। जब वैल्यू पुट करते हैं तो उस समय पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम सीधा 314/100 कर देंगे, और आर की वैल्यू अननोन है तो आप सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो पहला पार्ट हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ बेस। और स्टूडेंट्स जब यहाँ एच उसका दे रखा है सिलेंडर का, और आर यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, आर और एच जब दोनों पता लग जाएगा तो आप इसका वॉल्यूम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो आप वॉल्यूम इसका कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट कॉस्ट ₹2,200 टू पेंट द इनर कर्व सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। हमारे पास एक सिलेंडर जैसी वेसल है, 10 मीटर डीप है वो, यानी कि उसकी डेप्थ दे रखी है, एच की वैल्यू 10 मीटर है, और टोटल कॉस्ट 2,200 है पेंट करने के लिए, इस वेसल के इनर कर्व सरफेस अंदर पेंट करने के लिए ₹2,200 खर्च होते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट द रेट ऑफ ₹20/m², इसका जो पेंटिंग करने का रेट है वो ₹20/m² है, तो फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया, रेडियस ऑफ बेस, कैपेसिटी ऑफ वेसल। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए यहाँ टोटल, ये तो टोटल कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग किसको पेंटिंग करना है, इनर कर्व सरफेस को, और ये रेट ऑफ पेंटिंग। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास वॉल्यूम दे रखा हो ना, सॉरी एरिया दे रखा हो, तो एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाती है। यहाँ पर वही बात है, यहाँ पर टोटल कॉस्ट दे रखी है, रेट दे रखा है, तो यहाँ से हम तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। ये पेंट, ये खर्चा कहाँ पेंट करने का है उसी हिस्से का एरिया यहाँ से निकल जाएगा। सो हम कहेंगे ये रेट दे दिया और टोटल कॉस्ट दे दी, तो इनर कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई रेट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग डिवाइड बाई रेट ऑफ पेंटिंग, और हम इनको डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। दूसरे में कहता है इसका रेडियस बताओ, तो इनर कर्व सरफेस एरिया दे रखा है आप इसको लिख लो, हाइट हाइट भी दे रखी है, हाइट को लिखो सबसे पहले, तो फिर इनर कोट सरफेस एरिया हमने निकाल लिया, इनर कोट सरफेस एरिया के नीचे इसका फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और एच की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, पाई की वैल्यू रख लेंगे, आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, वो हमारा सेकंड पार्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि एच तो गिवन है और आर आप सेकंड पार्ट में निकाल लेंगे, तो थर्ड पार्ट में कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम आराम से निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स जो वॉल्यूम निकालोगे वो हमारा m³ में आएगा, और कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, तो कैपेसिटी वाले सवाल को आमतौर पर हम लीटर में चेंज करते हैं, तो इसको जो m³ में आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो लीटर बन जाएंगे, और अगर वो 1000 से ज्यादा है पहले ही तो हम क्या करेंगे, सॉरी अगर हम उसको किलो लीटर में बदलना चाहें, अगर किसी में 1000 से ज्यादा लीटर बनते हैं तो हम उसको 1000 से वापस डिवाइड करके किलो लीटर में भी चेंज कर सकते हैं। सो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि 1 m³ में 1 किलो लीटर होता है, ये याद रखें आप स्टूडेंट्स। देखिए 256 इस क्वेश्चन में हमने, ये हमारा m³ में आ गया, ये m³ में आया है, तो कहता है कि 1 m³ में 1 किलो लीटर होता है,
और अगर लीटर बनाए तो 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लीटर बन जाएंगे, और अगर किलो लीटर में बदलना चाहें तो 1 मीटर क्यूब में 1 किलो लीटर ही होता है, तो जितने मीटर क्यूब हैं उतने ही किलो लीटर बन जाएंगे। सो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब इसके बाद में 6th क्वेश्चन में, कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज इतना, ये भी उसी की तरह से हो गया। पहले ये हाइट लिखेंगे हम, फिर इसकी कैपेसिटी लिखेंगे। कैपेसिटी स्टूडेंट्स लीटर्स में है तो हम इसको यहां पर, और हाइट मीटर में है तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। देखिए मीटर क्यूब से लीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो लीटर से मीटर क्यूब बनाने के लिए वापस 1000 से डिवाइड कर देंगे, और ये डेसिमल हटाएंगे उसका 10 आ जाएगा, ये मीटर क्यूब आ गया। कैपेसिटी, तो कैपेसिटी का फॉर्मूला लिख दो पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से एच की वैल्यू रख देंगे 1, और यहाँ से हमारे पास आर आर स्क्वायर आ जाएगा ये, और आर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आर की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स अब आपके पास एच भी है आर भी है, ये जो निकलवाना चाहे आप निकाल सकते हो। ये कहता है हाउ मेनी स्क्वेयर मीटर्स ऑफ सीट वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक इट, कहता है इस सिलेंडर को बनाने में कितनी शीट चाहिएगी। ये क्लोज्ड है तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, वो हो जाएगी एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड टू मेक इट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। टोटल सरफेस का फॉर्मूला लगा दो और सोल्व कर लो, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा ध्यान देने का भी है। ए लेड पेंसिल है कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ वुड विद ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। स्टूडेंट्स आप एक बात सुनिए, आपके पास सपोज करो एक पेंसिल है, वो बाहर से बिल्कुल सिलेंडर जैसी है, और उसके अंदर आपने देखा होगा उसमें जो ग्रेफाइट होता है, उस बाय चांस आप थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि आपकी पेंसिल का केवल ग्रेफाइट बाहर निकाल लिया, तो आपके हाथ में ग्रेफाइट है तो वो भी एक सिलेंडर है, और ग्रेफाइट पेंसिल से आपकी पेंसिल में जो लकड़ी लगी हुई है वो सिलेंड्रिकल है, और उसमें से अगर आप ग्रेफाइट बाहर निकाल लेते हैं तो केवल लकड़ी बचेगी, और वो जो लकड़ी बचेगी वो आपको एक होलो सिलेंडर की तरह नजर आएगा। तो आप ये कल्पना अगर कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा कि अब ये कहता है लेड पेंसिल सिलेंड्रिकल लकड़ी से बना हुआ है, और उसमें उसके अंदर भी ग्रेफाइट है वो भी सिलेंड्रिकल है। फिर कहता है द डायमीटर ऑफ द पेंसिल इज 7 mm, पेंसिल का डायमीटर क्या है, तो इसका मतलब इस पेंसिल में तो सब चीज शामिल है, ग्रेफाइट भी शामिल है और लकड़ी भी शामिल है, तो ये तो पेंसिल का यानी कि आउटर रेडियस हो गया ये एक तरह से, और डायमीटर ऑफ द ग्रेफाइट अंदर जो ग्रेफाइट है वो हो गया 1 मिलीमीटर, ग्रेफाइट का मतलब जो अंदर ग्रेफाइट है सिलेंडर जैसा उसका डायमीटर है ये 1 मिलीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, पेंसिल की लेंथ कहो या हाइट कहो, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, कहता केवल लकड़ी का वॉल्यूम बताओ, तो लकड़ी का तो लकड़ी तो एक होलो सिलेंडर हो गया एक तरह से, तो लकड़ी के वॉल्यूम में तो हम होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगा देंगे, और ग्रेफाइट है ग्रेफाइट में हम ग्रेफाइट का ही रेडियस लेंगे और उसका वॉल्यूम निकाल देंगे। तो देखिए लेंथ ऑफ पेंसिल हमारी 14 है, और रेडियस ऑफ पेंसिल, पेंसिल का रेडियस क्या होगा, इसमें ग्रेफाइट शामिल है, रेडियस ऑफ पेंसिल 7/2, जो 7 mm डायमीटर था तो उसको 7/2 mm कर दिया, आप सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 7/20 cm, ये बड़ा आर मानेंगे, और रेडियस ऑफ ग्रेफाइट वो छोटा आर है, 1 mm डायमीटर था तो 1/2 mm रेडियस आ गया, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे डिवाइड में 10, तो 1/20 cm, सो ये स्मॉल आर आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना चाहेंगे तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम एज वुड यूज्ड इन पेंसिल, जो पेंसिल में लकड़ी है कहता है वो लाइक ए होलो सिलेंडर है, तो देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पेंसिल, इस लैंग्वेज का स्टूडेंट्स विशेष ध्यान देना है, तो होलो सिलेंडर का फॉर्मूला यूज कर लो और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 22/7, ये 14 हम शुरू में ले आए और इनको सिंप्लीफाई किया, 49, 7 का स्क्वायर 49/400 और 1/400, इनका अंदर ही अंदर हमने सोल्व करेंगे, सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 400 एलसीएम आ जाएगा, ये 49-1 48 आ जाएगा, इनको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में ये हमारा लकड़ी का वॉल्यूम आ गया। अब हमें ग्रेफाइट का वॉल्यूम और चाहिए, तो ग्रेफाइट का रेडियस क्या है, ये छोटा आर, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये लग जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये हमारे ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया। अभी स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन ए हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन ए सिलेंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर इतना, इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू ए हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर,
देखिए स्टूडेंट्स, इस हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जो सिलेंडर जैसे बाउल्स हैं, कटोरियां जो हैं वो सिलेंडर जैसी शक्ल शेप में है, गिलास जो है वो सिलेंडर जैसी शेप में है, उनका डायमीटर तो 7 है, तो ठीक है यहाँ से आर निकल जाएगा। और जो वो वेसल है वो कंप्लीट नहीं भरी, उनमें केवल 4 सेंटीमीटर की हाइट तक ही उसमें सूप भरा जाता है। जो बाउल है सिलेंड्रिकल, उसमें 4 सेंटीमीटर हाइट तक सूप भर के दिया जाता है। तो हमें उस बाउल का वॉल्यूम नहीं निकालना, उस बाउल में कितना सूप डला हुआ है, जो बाउल में जो सूप डालेंगे वो सिलेंडर की शेप में हो जाएगा, तो उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, उस बाउल का वॉल्यूम नहीं निकालेंगे हम, उस बाउल में सूप कितना है उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो उसमें रेडियस तो हम लेंगे 7/2, और हाइट, हाइट की जगह 4 सेंटीमीटर लेंगे। ये हाइट किसकी हो जाएगी, बाउल की हाइट नहीं है, ये हाइट ऑफ सूप इन द बाउल है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर फॉर 250 पेशेंट्स, तो कहता है कि उस हॉस्पिटल को 250 पेशेंट के लिए कितना सूप तैयार करना पड़ेगा। तो पहले सिलेंड्रिकल बाउल में कितना सूप देते हैं वो, उसका वॉल्यूम निकाल लो, वो 1 पेशेंट का सूप हो जाएगा, उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आप खुद करेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल 7 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी बेटा 7/2 सेंटीमीटर है, ये डायमीटर दे रखा है, आप रेडियस निकालेंगे 7/2 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सूप इन बाउल 4 सेंटीमीटर, ये हाइट हो गई। तो अब इसका वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल, एक बाउल में कितना वॉल्यूम सूप है वो पाई आर स्क्वायर से आप निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ सूप रिक्वायर्ड फॉर 250 पेशेंट, 250 के लिए कितना, तो यहां से जो वॉल्यूम आएगा उसको 250 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अब इसको आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब लीटर में बदलना चाहो तो 1000 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। अगर मीटर क्यूब में हो तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेंटीमीटर क्यूब से लीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग होगा, ये इतने लीटर बन गया, ये बीच वाला है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट प्रिपरेशन करेंगे और इसका एक रिविजन भी लगाएंगे और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करेंगे। ओके थैंक।